नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। मैं लिपिका। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा, जो कि स्किन विशेषज्ञ हैं। तो जब बीमारियों की बात आती है तो कैंसर जैसी बीमारी भी स्किन को नहीं छोड़ती है। स्किन कैंसर भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसके केसेस भी आजकल बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो स्किन कैंसर क्या है और कैसे होता है और कैसे पता लगाए कि ये स्किन कैंसर ही है, क्योंकि रिएक्शन भी हो जाता है। रिएक्शन में और स्किन कैंसर में हम लोग कैसे पता करें कि दोनों में क्या फ़र्क है? अगर किसी मरीज़ को रिएक्शन हो जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि मुझे स्किन कैंसर हो गया है, तो इसका वो लोग कैसे पता करें कि स्किन कैंसर है या फिर कोई रिएक्शन ही है साधारण सा? देखिए, स्किन कैंसर्स को अलग एक कैटेगरी में रखा गया है और उसका दो टाइप्स बेसिकली होता है, जो कि एक मेलानोटिक होता है, नॉन मेलानोटिक स्किन कैंसर्स होता है। तो स्किन कैंसर्स का पहचान खुद से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कोई भी, जैसे कि कभी भी आपके शरीर पे ऐसा कोई, मतलब कोई मसा हो जो कि बहुत जल्दी में थोड़ा बढ़ गया हो, या फिर उसमें से खून आने लगा हो जो बार बार वहाँ पे, और कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको वहाँ लगने लगे, तो आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ऐसे अलग अलग टाइप्स के स्किन कैंसर्स होते हैं, तो नेल फोल्ड में भी, नाखून के अंदर में भी कभी कभी उसका एक अंश रहता है मेलानोटिक स्किन कैंसर्स का। तो ये, इसको पहचानने के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और किसी भी चीज़ को ऐसे तुरंत इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो आपको थोड़ा भी सस्पिशियस लगे बॉडी में, है ना, तो आप उसको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल के उसकी सलाह लें, और उसका बायोप्सी होता है जिसको जांच के लिए भेजा जाता है, तब उस हिसाब से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। कुछ कुछ स्किन कैंसर्स होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा वगैरह, जो कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, देख के भी आदमी उसको पहचान सकता है। हाँ, तो इसका कारण बहुत सारा, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इस करने से स्किन का, हाँ, बहुत सारे इरिटेंट होते हैं, लिथियम है, ये सब है, केमिकल से अलग टाइप, जिनके कांस्टेंट कांटेक्ट में आने से स्किन कैंसर्स के केसेस मिले हैं। उसके बाद और बहुत स्किन कैंसर्स ऑटो इम्यून होते हैं, जो बॉडी में अपने अंदर से ही एक ट्यूमर नेक्रोस ट्यूमर फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ग्रोथ आ जाता है वैसा स्किन कैंसर्स का। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, और इसके लिए ज़ोर से डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। समय रहते अगर इसका इलाज होता है तो काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है।